तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉयलर एफिशिएंसी बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए, बॉयलर एफिशिएंसी का जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट मेथड से कैसे किया जाता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से कैसे बॉयलर का एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इनडायरेक्ट मेथड में जितने भी फॉर्मूला यूज किया जाता है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, उन सारे फॉर्मूलों को यहां पे अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से कैसे बॉलर का एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। ये हमारा सीएफबीसी बॉलर का डायग्राम है। ये हमारा फर्स्ट पास साइक्लोन, सेकंड पास ईएसपी और चिमनी। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक आईडी फैन का भी डायग्राम दिखा रखा है। इधर हमारा कोल बंकर है, इसमें हमारा कोल है। तो हमें एफिशिएंसी निकालने का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट डिवाइड इनपुट। तो बॉयलर से आउटपुट हम लोग क्या लेते हैं? स्टीम लेते हैं। इनपुट क्या देते हैं? तो हमारा एयर रहता है और कोल रहता है, यानी कि एयर कोल का कंबशन करा के हीट जो जनरेट होता है उसी से हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो हमारा बॉयलर है, जितना हम लोग हीट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जितना हम लोग कंबशन करा रहे हैं, उतना हमारा स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? यानी कि जितना जीसीबी का हम लोग फ्यूल दे रहे हैं और जितना क्वांटिटी का दे रहे हैं उसको अगर करेंगे तो टोटल हीट कंटेंट निकल जाएगा, यानी कि जीसीबी इनटू क्वांटिटी ऑफ फ्यूल करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? हीट कंटेंट। तो जो हमारा स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है वो उतना हीट कंटेंट रखा है या नहीं रखा है, तो कभी भी हमारा जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होता है, बहुत सारे लॉसेस होता है। तो इस वीडियो में इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग उन्हीं सारे लॉसेस को देखेंगे कि हमारा 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं आता है, कहां पर हमारा जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होता है, किस लॉस की वजह से हमारा यहां पे एफिशिएंसी डिक्रीज होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इस डायग्राम में आपको यहां पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे हम लोग फ्लूडाइजिंग एयर देते हैं, यानी कि जो भी हमारा कंबशन के लिए पीए एयर है ना, वो देते हैं यहाँ पे सीबीसी में पीए, मतलब प्राइमरी एयर फैन से हम लोग देते हैं। तो यहाँ से हम लोग पीए फैन से एयर देंगे, इस बॉयलर में आएगा और यहाँ से कोल आता है, तो यहाँ पे कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद हमारा क्या फॉर्मेशन होता है? तो हमारा यहाँ पे फ्लू गैस का जनरेशन होता है, और ये जो फ्लू गैस है वो आपका पास से होते हुए यहाँ से हमारा चिमनी से निकल जाता है। और आप देखे होंगे कि हमारा चिमनी से जो फ्लू गैस निकलता है उसका एक टेम्परेचर होता है, लगभग हमारा मान लीजिए कि 140 डिग्री सेल्सियस के करीब में हमारा टेम्परेचर होता है, और ये जो हम लोग पीए एयर दे रहे हैं उसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो। तो यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर है, यहाँ पे इतना ज्यादा, यानी कि आप ले रहे हैं बहुत कम टेम्परेचर से, हाइयर टेम्परेचर से निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज्यादा हीट लेकर के जा रहा है। इस हीट का हम लोग बॉयलर के अंदर यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, ये हीट लेकर के जा रहा है, यानी कि सबसे पहले ये हम लोग लॉस में काउंट करते हैं। और सबसे ज्यादा बॉयलर में जो लॉस होता है इनडायरेक्ट मेथड से वो यही वाला होता है, यानी कि चिमनी से जो फ्लू गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे किस टाइप का फ्लू गैस रहेगा? तो एकदम ड्राई रहेगा, इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो हमारा एटमोस्फेरिक एयर जो है उसमें मॉइस्चर रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राई फ्लू गैस लॉसेस। यानी कि सबसे पहला हमारा जो लॉस होता है वो कौन सा होता है? तो ड्राई फ्लू गैस लॉसेस, ड्राई फ्लू गैस लॉस, ठीक है। और अगर दूसरा देखा जाए यहां पे, तो ये क्या होता है? लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर। इस जो एटमॉस्फेयर का जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है, उसमें जो मॉइस्चर है उसकी वजह से भी लॉस होता है। तो कैसे होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर का मतलब क्या है? H2O है, यानी कि वाटर है। और ये जो वाटर है जैसे ही एक टेम्परेचर पे आएगा तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर से जब भी स्टीम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, यानी कि वाटर से स्टीम बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जहां पे भी फेज चेंज करने के दौरान जो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, वो उस हीट को क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। और लैटेंट हीट कितना होता है? तो 5
584 किलो कैलोरी पर केजी होता है, 584 किलो कैलोरी पर केजी होता है। तो सबसे पहला लॉस हमारा ये हो गया, दूसरा लॉस हमारा ये हो गया। वैसे ही यहाँ पे जो हमारा फ्यूल है यानी कि जो हमारा कोल है, इसमें भी हमारा क्या रहता है, हाइड्रोजन। अगर अल्टीमेट एनालिसिस करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, H2 प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो H2 है ये एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये फिर से H2O बना देगा, और ये H2O फिर से क्या बन जाएगा, स्टीम बना लेगा। यानी कि यहां पे भी हमारा क्या है, लॉस हो रहा है, क्योंकि इस दौरान भी हमारा हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, तभी ये वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे आप दो और ये तीन नंबर लिख लेंगे, किसकी वजह से, तो ड्यू टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वजह से हमारा क्या होगा, फ्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इन फ्यूल लिख दीजिए, कोल ना, इसकी वजह से हमारा ये जो लॉस है वो होगा। सिमिलरली इस कोल के अंदर भी हमारा मॉइस्चर रहता है, आप देखे होंगे कि हमारा मॉइस्चर इनहेरेंट या सरफेस मॉइस्चर होता है। तो ये जो मॉइस्चर का मतलब क्या है, इसके अंदर वाटर कंटेंट है, तो इस मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर यानी कि वाटर, वाटर से स्टीम बनेगा। तो आप चौथा पॉइंट यहां पे क्या लिख सकते हैं कि मॉइस्चर इन कोल, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारा हाइड्रोजन जो H2O होगा, यहां पे मॉइस्चर है यानी कि डायरेक्ट H2O है, ये क्या करेगा, स्टीम बनाएगा। तो इस दौरान हमारा जो फेज चेंज करने के दौरान जो हमारा लेटेंट हीट होता है वो 584 किलो कैलोरी जो हीट लेता है पर केजी, एक केजी अगर स्टीम बन रहा है, एक केजी स्टीम वाटर से स्टीम बन रहा है, तो इतना हमारा हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि जो हम लोग कंबस्शन किए हैं, जो फ्यूल का कंबस्शन कर रहा है, उसमें इतना हीट जो है वो स्टीम बनने के लिए ही ले लेगा और यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चार नंबर हो गया। अब क्या होता है कि जब हम लोग फ्यूल का कंबस्शन करवा दिए, फ्यूल का कंबस्शन हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कोल है उसके अंदर एस कंटेंट भी होता है, ठीक है। तो उस एस को हम लोग कहां पे कलेक्ट करते हैं, तो कुछ तो एस हमारा ईएसपी में यहां पे कलेक्ट हो जाता है, कुछ हमारा यहां पे, कुछ फर्स्ट पास में कलेक्ट होता है, और कुछ हमारा थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो जो हमारा एस है उसके अंदर कुछ ना कुछ अनबर्न्ड रहते हैं, तो अनबर्न्ड का मतलब कि वो जल ही नहीं पाया, तो अनबर्न्ड की वजह से भी हमारा जो कंबस्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यानी कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पे भी हमारा जो एफिशिएंसी है उसकी वजह से डाउन हो रहा है। तो यहां पे आप पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू अनबर्न्ड इन एस। और ये जो एस है ये दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा फ्लाई एस, दूसरा होता है बॉटम एस, यानी कि फर्स्ट पास में जो हम लोग का एस का कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम एस बोलते हैं, और बाकी जहां पे भी हमारा फ्लाई जो भी एस का कलेक्शन होता है उसको हम लोग फ्लाई एस बोलते हैं। इधर जो होगा वो हमारा क्या होगा, फ्लाई एस होगा, इधर जो होगा वो हमारा क्या होगा, बॉटम एस। तो यहाँ पे मैं इसको इसलिए डिस्कस किया हूं कि कहीं कहीं आपको न्यूमेरिकल में केवल एस कंटेंट दे दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको फ्लाई एस और बॉटम एस का भी रेशो दे दिया जाता है कि 80-20 रेशो है फ्लाई एस बॉटम एस का। तो आप कैसे निकालेंगे कि हमारा बॉटम एस की वजह से कितना लॉस हुआ है या फ्लाई एस की वजह से कितना लॉस हुआ है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप पांच नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एस मतलब कि फ्लाई एस की वजह से, फ्लाई एस में जो भी अनबर्न्ड है उसकी वजह से लॉस, और या बॉटम एस में जो भी अनबर्न्ड है उसकी वजह से लॉस कितना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग बाहर रहते, अगर बॉयलर के बाहर आप खड़े होंगे किसी भी एरिया में, तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा हीट नज़र आएगा, मतलब कि अगर आपका बॉयलर अगर ठंडा है यानी कि बॉयलर रनिंग नहीं है, लेकिन उसको आप टच करेंगे, बॉयलर को बाहर से टच करेंगे, तो आपको कुछ भी वहां पे गर्म महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपका बॉयलर रनिंग हो जाता है और आप उसको टच करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हॉटनेस महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो हीट का कंडक्शन हो रहा है वो रेडिएशन की वजह से हो रहा है, यानी कि बाहर हीट का मतलब एटमोसफियर से हीट का एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग रेडिएशन लॉस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यानी कि बाहरी सतह से जो भी हीट का मतलब एक्सचेंज होता है उसको हम लोग रेडिएशन, तो आप नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं रेडिएशन लॉस या अनअकाउंटेड, और भी कुछ लॉस होता है जिसको अनअकाउंटेड लॉस में हम लोग
अज्यूम करते हैं, तो ये 6 नंबर पॉइंट हो गया। तो ये सारे जितने भी लॉसेस हैं उसको 100 में से माइनस कर देंगे, यानी 100 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 अगर कर देते हैं तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। ये हुआ एक बेसिक स्ट्रक्चर की हम क्या क्या देखते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के दौरान। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा इसका जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो ड्राई फ्लू गैस है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई फ्लू गैस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि हमारा जो फ्लू गैस है वो कितना फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा 1 kg कोल को जलाने के लिए कितना एयर का रिक्वायर्ड है विद एक्सेस एयर, क्योंकि हम लोग एक्सेस एयर मेंटेन करते हैं। आप देखे होंगे कि बॉयलर के अंदर O2 जो है O2 परसेंटेज हम कुछ मेंटेन करते हैं 3-5%, ये क्या है हमारा एक्सेस एयर है। तो सबसे पहले आप एक्चुअल एयर जो है हमारा, यानी कि थ्योरेटिकल एयर पहले आप निकालते हैं, उसके बाद ये जो हमारा एक्सेस एयर है उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा एक्चुअल एयर सप्लाइड निकल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में या इससे पहले हम लोग एक्चुअल एयर सप्लाइड क्या होता है या थ्योरेटिकल एयर कैसे निकालता है या एक्सेस एयर कैसे निकालते हैं इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक्चुअल एयर सप्लाइड जो है यानी कि विद एक्सेस एयर हम लोग कितना दे रहे हैं, 5.5 kg दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ड्राई फ्लू गैस का फॉर्मेशन होगा 1 kg कोल जलाने में वो कितना होगा। ड्राई फ्लू गैस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा एक्चुअल एयर सप्लाइड है यानी कि एक्चुअल एयर सप्लाइड उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा मास ऑफ फ्लू गैस निकलेगा, फ्लू गैस। लेकिन हमें क्या निकालना है, ड्राई फ्लू गैस, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी मॉइस्चर था वो स्टीम बन गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें 1 में से माइनस क्या करने गया, तो मॉइस्चर प्लस 9H2 अगर ये कर देते हैं तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, एम निकल के आ जाएगा। तो यहां पे हमारा क्या निकल गया, ड्राई फ्लू गैस का जो मास है वो निकल गया। अब हमें अगर फॉर्मूला बोलेंगे यानी कि ड्राई फ्लू गैस लॉस कैसे निकलेगा, तो MCP डेल्टा टी हम लोग सब लोग जानते हैं, M यानी कि मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस, CP यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ जो फ्लू गैस निकल रहा है उसका स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी का मतलब होता है TF यानी कि जो हमारा फ्लू गैस निकल रहा है उसका टेम्परेचर, माइनस कर देना है जो हमारा कोल्ड एयर टेम्परेचर है वो TA। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और डिवाइड क्या करना है, GCV ऑफ कोल, ऐसे कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, इस ड्राई फ्लू गैस की वजह से जो लॉस हो रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल हम लोग जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन की वजह से जो भी हमारा फॉर्मूला डेवलप होगा वो क्या फॉर्मूला डेवलप होगा। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो वाटर बनाया है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 और 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2 हो जाएगा, और ये 16 इधर क्या हो जाएगा, तो 2 + 16 यानी कि ये 18 हो जाएगा। तो जब 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 यानी कि 9H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या डेवलप हो जाता है, तो 9H2, ठीक है। और इसका जो लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट कितना है, 584 होता है ना लैटेंट हीट। उसके बाद MCP डेल्टा टी प्लस CP और स्पेसिफिक हीट, MCP डेल्टा टी यानी कि CP हो गया, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, TF माइनस TA, और डिवाइड कर देना है किससे, तो GCV से यानी कि GCV ऑफ कोल। इस तरह से ये क्या निकल गया हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, तो ड्यू टू हाइड्रोजन की वजह से यानी कि लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल। वही अगर हम लोग मॉइस्चर की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल यहाँ पे एम डाल देना है यानी कि जो भी हमारा फ्यूल के अंदर मॉइस्चर है, जो कोल के अंदर मॉइस्चर है उसका परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है, और बाकी 584 आपको लिखना ही है, प्लस CP आपको लिखना ही है, और टेम्परेचर जो डिफरेंस है फ्लू गैस माइनस TA ये आपको लिखना ही है, और डिवाइड कर देना है GCV ऑफ फ्यूल या कोल। तो ये क्या निकल जाएगा, यानी कि लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन कोल का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला डेवलप हो गया।
अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अनबर्नड है एस के अंदर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए मास ऑफ एस, मास ऑफ एस यानी कि 1 kg जो कोल जला रहे हैं उसमें कितना हमारा एस का क्वांटिटी है, कितना मास यानी कितना एस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पर केजी कोल लिख सकते हैं, और इनटू जो भी एस कलेक्ट हुआ है उसका जीसीवी कितना है यानी कि जीसीवी ऑफ एस, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देना है, तो जो हमारा कोल का जीसीवी है उससे यानी कि कोल जीसीवी। तो ये हो गया हमारा एस की वजह, एस के अंदर जो भी अनबर्नड है उसका कैसे लॉस कैलकुलेट करते हैं। वही अगर आपको बॉटम एस दे दिया रहे, जैसे मान लीजिए आपको मतलब कि फ्लाई एस टू बॉटम एस, फ्लाई एस टू बॉटम एस का जो रेशो दे दिया है 80:20 दे दिया है, और आपको ये बोल दे कि हमारा फ्लाई एस की वजह से कितना लॉस हुआ है या बॉटम एस की वजह से कितना लॉस हुआ है, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे बॉटम एस का जो क्वांटिटी है यानी कि क्वांटिटी ऑफ बॉटम एस इनटू जीसीवी ऑफ बॉटम एस, और डिवाइड कर देना है जीसीवी ऑफ कोल, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, बॉटम एस में जो एस कलेक्शन हुआ है उसके चलते हमारा कितना एफिशिएंसी का लॉस हुआ, ये निकल के आपको आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको फ्लाई एस करना है तो यहां पे क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ फ्लाई एस जैसे कि 80% है तो 80 कर दीजिए, मतलब कि 80%, जैसे मान लीजिए कि आपका 100 टन एस का जनरेशन हो रहा है तो 100 यानी कि 80 आपको अगर फ्लाई एस निकालेंगे तो 80 करना है, बॉटम एस निकालना है तो 20 करना है, ठीक है। तो बॉटम एस क्वांटिटी हो जाएगा, और जीसीवी ऑफ जो बॉटम एस का जो जीसीवी आ रहा है, जो एस आया है उसको हम लोग पहले जीसीवी फाइंड आउट करेंगे, और वो जो जीसीवी है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। वैसे ही बॉटम एस में जो एस कलेक्शन हो रहा है उसका जीसीवी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको यहाँ पे रख करके जो कोल का जीसीवी होगा ओरिजिनल उसमें हम लोग ऐसे कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो जो भी लॉस होता है ड्यू टू अनबर्नड इन एस वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फ्लाई एस की वजह से एक बॉटम एस की वजह से। तो यहाँ से आप फॉर्मूला डेवलप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये रह गया हमारा, तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर का अगर फॉर्मूला की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो एयर है वो सप्लाइड कितना कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअल एयर सप्लाइड, AAS लिख दे रहा हूं, एक्चुअल एयर सप्लाइड इनटू ह्यूमिडिटी रेशो, ह्यूमिडिटी रेशो ऑफ एयर है ना, इनटू अ स्पेसिफिक हीट सीपी डेल्टा टी यानी कि टीएफ माइनस टीए, और डिवाइड जीसीबी ऑफ कोल। तो देखिए यहाँ पे जो सीपी है या यहाँ पे जो सीपी है या यहाँ पे भी सीपी है, इस कंडीशन में हमारा जो स्पेसिफिक हीट है वो किसका रहेगा, तो स्टीम का रहेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, क्योंकि यहाँ पे वाटर से स्टीम बन रहा है, यहाँ पे भी वाटर से स्टीम बन रहा है, यहाँ पे भी वाटर से स्टीम बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सीपी है वो क्या रहेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सीपी है वो क्या है, तो फ्लू गैस का लेंगे, यहां पे हम लोग क्या लग रहे हैं, फ्लू गैस का, क्योंकि हम लोग मास टोटल लिए हैं, कितना मास है ना, ये क्या रहेगा हमारा फ्लू गैस का स्पेसिफिक हीट रहेगा। यहां पे यही डिफरेंस है, एक जगह पे हमारा जो ड्राई फ्लू गैस निकालेंगे वहां पे जो स्पेसिफिक हीट होगा वो फ्लू गैस का लेंगे, लेकिन जहां पे भी अगर वाटर से स्टीम बन रहा है वहां पे, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन की वजह से हो या कोल के अंदर जो मॉइस्चर हो या एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसकी वजह से जहां पे स्पेसिफिक हीट होगा वहां पे कौन सा रखेंगे, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम आपको लगभग 0.45 के करीब में रहता है, इसका 0.23 के करीब में रहता है। तो अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे, अगर ये उल्टा लिख देंगे यानी कि यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस गलती से ले लेंगे तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो गलत आ जाएगा, यानी कि लॉसेज जो है वो कैलकुलेशन में गलत आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये जो रेडिएशन का होता है वो लगभग हमारा 1% या 2%, ये जिस बॉयलर का जो कंडीशन है
कितना लॉसेस हो रहा है बाहर, उसके अकॉर्डिंग दे दिया जाता है कि हमारा इस टाइप का अगर बॉलर रहेगा तो वो 2% ट्रेडिशनल लॉस करेगा, या इस टाइप का जो बॉलर है वो 3% लॉस करेगा या 1%। तो इसमें हमारा जो भी रिमेनिंग लॉसेस होता है अनअकाउंटेड, जो को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, वो सब हमारा रेडिएशन लॉस में आ जाता है। तो जितने भी लॉस आया इसकी वजह से सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो बॉयलर का एफिशिएंसी है वो निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आऊँगा और इस मेथड से यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से बॉयलर का एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ इसका जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हुआ ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।